नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल बालायाम एक्सपीरियंस में। तो फ्रेंड, आज का ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते, क्योंकि फ्रेंड आज का ये वीडियो आप सबके मन में हो सकता है आग लगा देगा, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग हैं जो फालतू के कॉमेंट जो मुझे करते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि मेरे ऊपर अक्सर बहुत सारी टिप्पणियाँ कही जाती हैं कि यार भाई ये बकवास वीडियो है, ये कैसी वीडियो है, वो कैसी वीडियो है। लेकिन फ्रेंड मैं आप सबको बताना चाहूँगा, मेरी एक छोटी छोटी टिप्स जो है आगे चल के आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यार आप में से मुझे कितने लोग अच्छे मतलब पसंद करते हो, आप में से कितने लोग मेरी वीडियो को देखते हो। हालांकि मैंने बहुत सारी मतलब ऐसा नहीं है, मैं तो खुद मानता हूँ कि मेरी वीडियो इतनी अच्छी नहीं रहती, बहुत ही ज़्यादा मेरी वीडियो को सबसे ज़्यादा बार देखा गया है तो मुश्किल से 32 या 33 हज़ार बार देखा गया है। तो फ्रेंड आज के वीडियो आप लोग देखते रहिएगा, हो सकता है आपके मन में मेरी वीडियो देखने के बाद हो सकता है आपके मन में आग भी लग जाए, आप हो सकता है मेरे खिलाफ भी हो जाओ, आपको लगेगा कि नहीं ये बंदा क्या बोल के चला गया। तो फ्रेंड मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, कभी हार मत मानना। तो फ्रेंड हार में मत मानना मेरी वीडियो, मतलब हो सकता है शायद आपको थोड़ी मोटिवेट कर सकूं मैं, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि जो मुझे कमेंट करके जाते हैं कि क्या घटिया वीडियो बना के जाता है, कितनी फालतू की ये वीडियो है, क्या ये शैम्पू लगाने से ये होता है, क्या वो चीज़ करने पे ये होता है, तो फ्रेंड ऐसे फालतू मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हमको मतलब एक यूट्यूब पे जो वीडियो बनाता है, यार आप खुद ही सोच के देखो, एक यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचो यार, मतलब एक अच्छी तरह से मतलब वीडियो मतलब कैसे वीडियो इतनी अच्छी हम बना के कैसे मतलब अपने सब्सक्राइबर को दिखाएं कि ये सब्सक्राइबर हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सके, हमें सब्सक्राइबर हमारे ऊपर यकीन कर सके कि नहीं बंदा कुछ बोल के गया जिसको हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड अभी आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहले का कॉमेंट मैंने देखा है कि भाई मुझे 2 साल हो गए बालायाम करते हुए। तो फ्रेंड यार मैं आपको कहना चाहूँगा, 2 साल आपको कभी नहीं हुए यार बालायाम करते हुए। 2 साल अगर आपको बालायाम करते हुए जाएंगे ना, तो 2 साल में तो आप न जाने क्या से क्या मतलब आप कितना हेयर रिग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। आप मुझे देखो यार, 1.5 साल का ये रिजल्ट है, 1.5 साल में से 3 महीने मैंने बालायाम नहीं किया था, 1.5 साल का ये रिजल्ट है, आप देख सकते हो कुछ आपको दिख रहा है, आप कितना मतलब एक अच्छा से अच्छा मतलब जो बालायाम के लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट रहना चाहिए ना वो है। तो फ्रेंड आपको मैं हो सकता है आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बीच सफर में आप आधे रास्ते में ही आप बालायाम करना बंद कर देते हो। मैंने अभी कुछ अपने जो मेरे सब्सक्राइबर थे जो मुझसे फेसबुक पे कंटिन्यू बात करते थे, मैंने उन सभी से मतलब कि मैं जो फेसबुक से उनसे मैं हमेशा कंटिन्यू बात करता था, मैंने अभी 15 दिन पहले उन सभी मतलब अपने सब्सक्राइबरों से मैंने अपने फेसबुक पे मैंने उनसे बात किया कि भाई आप बालायाम कर रहे हो या छोड़ दिए, तो सभी लोगों में से सभी का जवाब आया कि नहीं भाई, हमने 2 महीने 3 महीने करके बालायाम छोड़ दिया। तो फ्रेंड मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट करके जाते हो, अरे बालायाम से कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं, हम फालतू अपना समय दे रहे हैं। तो फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है, फालतू समय कहीं भी आप नहीं दे रहे हो, लेकिन आप पहले मतलब मेहनत तो करना सीखो, आपके अंदर पेशेंस तो लाओ, आप मतलब सब्र का फल मीठा होता है। अगर आप 1 साल 2 साल जो बंदे मुझे कमेंट करके जाते हैं यार मैंने 2 साल बालायाम किया और मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला, 2 साल आप कभी कर ही नहीं सकते बालायाम। 6 महीने साल भर में तो अच्छे अच्छे लोग जो हैं हार मान लेते हैं। अभी मैंने मुझे देखी, मैंने 1 साल 6 मंथ मतलब 1.5 साल मैंने जो निकाला बालायाम करके, 1.5 साल में मैं उब गया, क्योंकि मुझे भी लगता था कि मैं अपने आप को मैं मतलब इस चीज़ को मैं परफेक्ट मानता था कि मैं बालायाम करूँगा, रेगुलर करूँगा, और ये सोचा था कि 10-15-20 साल मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, 10-10 मिनट 5-5 मिनट बालायाम अपनी ज़िंदगी के 10 मिनट जो है मैं बालायाम को दे दूंगा। लेकिन फिर भी मैं खुद मतलब बोर हो गया, वाकई में मतलब बोर होकर मैंने ये बालायाम करना बंद कर दिया। तो फ्रेंड मैं आपको भी यही बात बताना चाहूँगा कि आप 6 महीने साल भर जो भी है यार, कभी हार आप क्यों मान रहे हो। आप में से कितने लोग हैं जो शर्मिंदा होते हैं। मैं भी बालायाम शुरुआत में करता था, मतलब जब भी मैं बालायाम शुरू करता था तो कितने सारे मतलब मेरे जो मुझे देखते थे मुझे मतलब बेवकूफ़ समझते थे, बोलते थे अरे ये क्या कर रहा है, इससे मतलब कभी हेयर रिग्रोथ होता ही नहीं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये क्या बालायाम ये सब करके मतलब बालायाम को मतलब एक वो लोग मतलब बिल्कुल हंसते थे मुझ पर। लेकिन आज आप देख सकते हैं, आप मुझे देखिए, ये रिजल्ट आप देख रहे हैं ना, ये रिजल्ट एक मतलब बालायाम से ही मतलब मिला है। और कितने सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट मांगते हैं, कितने सारे लोग कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा के बेवकूफ़ बना रहा है। तो यार हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ट्रेंडिंग वीडियो था, मैंने पहले भी बताया कि बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है हेयर ट्रांसप्लांट, अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवाता तो हेयर ट्रांसप्लांट के ही बारे में बताता, ताकि मेरी वीडियो भी रैंक करती, मेरी वीडियो भी 1-2 लाख आदमी देखते। तो मैं फालतू के मतलब बालायाम के बारे में आप सबको क्यों बताता।
तो यार आप में से कितने सारे बंदे हैं जो मैंने फेसबुक से जिनसे बात किया उन्होंने बालायाम मतलब 2 से 3 महीने 6-4 महीने करके बालायाम को बीच रास्ते पे ही छोड़ दिया। तो यार आप अधूरा सफ़र करोगे तो आपको मंजिल तो मतलब कहाँ से मिलेगी। आप अगर आधे रास्ते पे अपना सफ़र छोड़ देते हो तो आपको मंजिल कहाँ से मिलेगी। तो फ्रेंड मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मतलब मैं फिर से आपसे आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि सॉरी जो मैंने आप सबसे इतनी सारी मतलब ऐसी इस तरीके से बात किया। तो लेकिन मैंने 2 महीने 3 महीने बालायाम किया उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो यार कैसे मतलब यकीन करेंगे कि 2 साल किसी ने कर दिया तो किसी ने 6 महीने निकाल दिया। अरे यार 6 महीने साल भर 6 महीने 7 महीने में तो रिजल्ट दिखना शुरू होता है, थोड़े थोड़े बाल आना शुरू होते हैं। अब आप सोचते हो कि बस मतलब रिजल्ट सबको चाहिए लेकिन किसी को मतलब मेहनत नहीं करनी। तो फ्रेंड आपको आपको मैं बताना चाहूँगा कि यार बहुत सारे लोग हैं आपके ऊपर हंसी उड़ाएंगे, आपकी आपके ऊपर टिप्पणियाँ कसेंगे कि नहीं यार ये बालायाम कर रहा है क्या पागलों जैसा बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा है। लेकिन याद रखिए फ्रेंड आज नहीं कल आपको जब एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना तो आपके ऊपर वही लोग आपको मतलब बोलेंगे कि भाई तूने बहुत ही अच्छा काम किया, हम लोग तो तेरे को पागल समझते थे लेकिन आज कितना मतलब अच्छा बेनिफिट और रिजल्ट तुम मतलब मिला है और इतने अच्छा हेयर रिग्रोथ आपका हुआ है। तो फ्रेंड आप हार मत मानिए कभी भी लाइफ में, अच्छे से मतलब आप बालायाम करें। आपके हाथ में से कितने सारे लोग हैं जो शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा रखते हैं। अगर आप बालायाम जैसे कर रहे हैं आपने किसी को आते देखा तो आप बालायाम बंद कर देते हो, अरे मतलब आप बालायाम करना बंद कर देते हो कि ऐसा ना हो कि वो बंदा मेरे को देख के हंस के जाए कि ये क्या कर रहा है पागल जैसा ये मतलब रगड़ रहा है आपस में नाखून घिस रहा है। मतलब आधे से ज़्यादा लोग आप में से कितने सारे लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आप ट्रेन में जा रहे हो सफ़र में जा रहे हो ऐसे मतलब मुझ पर भी टिप्पणियाँ कसी गई थी, मुझ पर भी लोग हंसते थे लेकिन मैंने कभी इस चीज़ से मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब मुझे तो यही था करना है तो करना है, दुनिया क्या कहेगी लोग क्या कहेंगे उससे अपने को क्या करना है। तो आज लेकिन जो ये रिजल्ट मिला है इसके लिए फ्रेंड आज मैं कितने सारे लोग जो मतलब मुझ पर हंसते थे आज वही लोग मुझसे पूछने आते हैं कि भाई मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करूँ कौन सा ऑयल यूज़ करूँ या मेरे बाल झड़ रहे हैं तो मैं क्या कर क्या क्या मतलब मुझसे वो खुद टिप लेने आते हैं आज के दिन। तो फ्रेंड जब आपको रिजल्ट एक अच्छा मिलेगा बेनिफिट अच्छा मिलेगा तो आपको खुद लोग पहचानेंगे, आप कभी हार मत मानिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।